मंदिर के लड्डू में जानवर की चर्बी मिलने के मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक आपूर्ति मंत्री ने रिपोर्ट तलब की है। दरअसल तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का खुलासा हुआ है। एक लैब की जांच रिपोर्ट के मुताबिक लड्डू बनाने वाले घी में चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कहा, तिरुपति बालाजी प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात से हम सभी बहुत परेशान हैं। तत्कालीन वीआईसीपी सरकार द्वारा माफ कीजिए वाईसीपी सरकार द्वारा गठित टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चंद्रबाबू नायडू से जांच रिपोर्ट भी मांगी है। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें, उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनके उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा, उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। इस खबर पर जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, जरा बताइए पूरा मामला है क्या और जांच रिपोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएगी? देखिए, दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया था जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू ये क्लेम करते हुए दिखे थे कि तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद बांटा जा रहा है, जो लड्डू जिसको हम कि अपनी आस्था का प्रतीक मानते हैं और वो प्रसाद हम भोग में लगाते हैं, इसके साथ साथ वो प्रसाद हम घरों को लेके आते हैं, लोगों को बांटते हैं, उस प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। और इस दावे की पूछ उन्होंने कहा था कि एक रिपोर्ट है जो कि ये साफ करती है कि इस जो लड्डू है उसमें जो घी प्रयोग में लाया गया है उसमें मछली का तेल है, इसके अलावा सूअर और गाय की चर्बी भी मिलाई गई है। यानी कि एक तरह से आस्था से खिलवाड़ का मामला है और इस तरह का मामला है। और ये जो आज्ञा है या ये जो मंजूरी है वो इसके पहले की जो सरकार थी उसने दिया था, यानी कि सरकार जानबूझकर इस जानकारी को जानते हुए भी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इसको होते देना चाह रही थी या हो तो उसके मंजूरी के बाद ये हो रहा था, इस तरह के आरोप लगाए थे। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर बाकी सारी जगहों पर इसके लिए एक अलग से प्रोटेस्ट शुरू हो गया, हिंदू संगठनों ने अपनी तरह से प्रोटेस्ट किया और अब जाकर सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है, जहाँ पे कि खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ तौर पे कहा है कि हमने वो रिपोर्ट्स मांगी है देवस्थानम बोर्ड से भी, इसके अलावा वहाँ की जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उनसे भी ये कहा है कि इस बात की जांच करें। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री जो कि फूड रेगुलेटर के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि हमने मुख्यमंत्री से उनकी रिपोर्ट मांगी है, जो उनके पास रिपोर्ट है मौजूदा वो रिपोर्ट मांगी है, साथ साथ फूड रेगुलेटर को आदेश दिया है कि वो अपने स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया इस पूरे जो आरोप है उसकी जाँच करें और अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उसकी उसको रिपोर्ट करें, साथ साथ उस पर कार्रवाई करें। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि भारत का जो फूड रेगुलेटर है FSSAI वो आज शाम तक अपनी प्राइमरी रिपोर्ट सौंप देगा और अगर फूड रेगुलेटर की रिपोर्ट में इस तरह के किसी आरोप पर मंजूरी दिखती है या फिर सहमति दिखती है, जो कि कथा तथा का जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा जा रहा है, तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है उस एजेंसी की तरफ जो कि सप्लाई करता है घी उस देवस्थानम बोर्ड को, इसके साथ साथ उन तमाम प्रक्रिया में शामिल लोगों पर भी कार्रवाई संभव है जो कि इस पूरी मंजूरी प्रक्रिया के दौरान शामिल थे, यानी कि टेंडरिंग से लेकर मंजूरी तक और लड्डू बनने से लेकर वितरित होने तक की प्रक्रिया में तमाम जो लोग शामिल थे उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा स्टेप केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है जो कि राज्य सरकार के आरोपों के बाद लिया गया है। राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इसको रोकने की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ें पिछली सरकार की मंजूरी के साथ हो रही थी जो कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है, और अब केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी हम फिर से जाँच कराएंगे, जो रिपोर्ट्स है सार्वजनिक उनकी भी हम जाँच कराएंगे, साथ साथ इस तरह के आरोपों को लेकर फूड रेगुलेटर भारत का वो अपने स्तर पे भी जांच करेगा, कुछ भी गलत होता है तो उसकी उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल ये साफ कर दिया जाए कि जो रिपोर्ट थी उसमें ये जरूर कहा गया कि जानवर की चर्बी है, लेकिन वो जानवर की चर्बी क्या वाकई में सुअर की है, गाय की है या फिर मछली का है, ये इस तरह की जो दावा है इसकी पुष्टि करना फिलहाल उस रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिपोर्ट कहीं भी ये सजेस्ट नहीं कर रही है कि इसमें इन जानवरों की चर्बी है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इसमें जो फैट मिला है वो इनसे मिलता जुलता है। जी,
ओके, तो ये पूरे मामलों ये विवादों में प्रसादम लड्डू तिरुपति का आ गया है। अब जांच रिपोर्ट की भी मांग इसमें की गई है। देखते हैं जांच रिपोर्ट में क्या आता है और उस पर फिर आगे की जानकारी भी हम लेते रहेंगे।